मैं भी हूँ बिल्किस मानो इस देश की बेटी है भाजपा वाले उन वो को कह रहे संस्कारी ब्राह्मण है, है। कहीं अपनी बहन के साथ वो बल बलात्कार कर दें, अपनी मां के साथ बलात्कार करें तब न उनका संस्कार समझ में आएगा हैवान है राक्षस है ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है मानवता के लिए एकदम नासूर हैं एड्स की बीमारी वाले नकली हिंदू नकली सनातनी बन करके कभी राम के नाम पर कभी कृष्ण के नाम पर कभी सूर्य देव के नाम पर कभी गंगा के नाम पर कभी गऊ के नाम पर मामलिंच हत्याएं और बलात्कार करते रहते हैं अभी लोगों को मंदिर का बहिष्कार करना अति आवश्यक हो गया है बड़ा ढोंग हो लिया इस देश में कांग्रेस के पर चुनाव लड़ी है वो वो जब त्रौपदी के मंदिर में जाती है तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं उन्हें धक्का मार कर बाहर निकाल दिया जाता है है पैसे की डिमांड इस की सलूक को आप कैसे देखते देखिए सनातन धर्म के लिए ऐसे पुजारी ऐसे पंडे कलंक होते हैं सनातन धर्म में ये संस्कार नहीं है कि हम किसी जात से किसी बिरादरी से किसी धर्म से नफरत करें यह हमारे वहाँ नहीं परंपरा है ये आरएसएस और बीजेपी के जो डिपोर्टेड पुजारी हैं वही इस तरह की हरकत कर सकते हैं नहीं तो हमारे वहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं रही है कि हमें किसी भी बिरादरी का किसी भी धर्म का अपमान करने का अधिकार सनातन धर्म किसी को कतई नहीं देता है क्योंकि सनातन धर्म में वसुदेव कुटुम्ब पूरा विश्व हमारा परिवार है आरएसएस इस बात को नहीं मानती है आरएसएस वाले नकली हिंदू नकली सनातनी बन करके कभी राम के नाम पर कभी कृष्ण के नाम पर कभी सूर्य देव के नाम पर कभी गंगा के नाम पर कभी गौ के नाम पर मामलिंचिंग हत्याएं और बलात्कार करते रहते हैं अब बताइए माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दास मोदी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ नकली ब्राह्मण मोहन भागवत से पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि आप की एक नेता सीमा पात्रा उड़ी में झारखंड में एक बच्ची से पेशाब चटवाती कहाँ चटवाती थी अब ये मुझे नहीं मालूम आठ साल से उसका शोषण कर रही थी महिला बच्ची में जो कैद में रखी हुई थी। हाँ जो कैद में रखी हुई थी जिस बच्ची का हो ये बंधक बना रखा था क्या ये मानवता के पक्ष में है माननीय प्रधानमंत्री इस पे कुछ बयान नहीं देंगे क्या भगवान पैसे से खुश होते हैं क्या जैसे वो अर्चना गौतम डिमांड कर रही है कांग्रेस की नेता है कि ये ₹10000 की वीआईपी मुफ्ता टिकट मांग रहे हैं ये देखिए ईश्वर प्रेम का भूखा होता है ईश्वर की आराधना की जा सकती है लोग झूठ-मूठ में मंदिर में जाना प्रारंभ किए हैं मंदिर में बिल्कुल मत जाइए आप एक पेड़ के नीचे बैठकर के पूजा अर्चना कीजिए हमारे तमाम ऋषि महर्षियों ने कभी मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना नहीं किया हिमालय की गोद में चले गए या किसी जंगल में बैठ के वहाँ रिसर्च किए और ईश्वर की आराधना किए चाहे वो विश्वामित्र हो या गुरु वशिष्ठ हो मंदिर के नाम पे भगवान के नाम पर धंधा बना रहे हैं देखिए ये जितने धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे हैं भगवा वस्त्र पहन करके ये अपनी दुकानदारी चला रहे हैं चाहे वो चुम्यानंद हो या एक उन्नाव से सांसद है वो हो या किसी से राम रहीम आसाराम सबकी दशा इस देश की जनता ने देखा है चतुर्वेदी जी आपको क्या लगता है ना पैसों के कारण धक्का मुक्का की गई उनके साथ या फिर वो दलित थी इस वजह से उनके साथ किया उनके साथ जो धक्का मुक्की हुई है वो कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी एक अभिनेत्री थी अभिनेत्री हैं और उसके बाद दलित हैं इसलिए उनको बीजेपी के पुजारियों ने अपमानित किया है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कार्रवाई अरे ऐसे पुजारियों को जूते जूते मार करके मंदिर से बाहर कर देना चाहिए भगवान भा, के ईश्वर के तुम ठकेदार हो भगवान को सब बेच रहे हैं जैसे राम को आडवाणी मुरली मनोहर जोशी अब संघ बेच रहा है राम के नाम पर जमीनों का घोटाला हो रहा उस पर प्रधानमंत्री चुप है मौन धारण किए हुए हैं चाइना आज देश की सीमाएं जो चाइना से लगी है वहां पे रोड बना रहा है मोहल्ले बसा रहा है गांव बसा रहा है एक गांव झील पर दो दो तीन पुल बना दे रहा है लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मौन है लेकिन आप भी तो ब्राह्मण बड़े आप तो है ऐसा नहीं सोचते हैं तो तो। भैया हम असली वाले सनातनी ब्राह्मण हैं मोहन भागवत के तरह से नकली नहीं हैं कि हम किसी से नफरत करें हमारे पास सिखाया नहीं जाता हमारे ब्लड में नहीं है हमारे संस्कार में ये सब नहीं है नहीं। आज भी हमारे गांव में रामू चाचा हैं दलित हैं लेकिन चाचा कह करके चाचा चाचा जी कहते हैं तो ये कौन से ब्राह्मण है ये जो पुजारी है इस प्रकार की घटनाएं है जो होती है ये बणशंकर है बणशंकर क्या होता है अब समझे जय बणशंकर हिंदी में शब्द होता है उसको समझिए अब उसको संधि विच्छेद करते रहिए समझ है ना ना जायदाद औलाद को बणशंकर कहा जाता है एसीसीएनएल डबरा है ये कांग्रेस की तरफ भैया हो तो रही थी अब मैं भी हूँ बिल्किस मानो इस देश की बेटी है भाजपा वाले उन बलात्कारी उनको कह रहे संस्कारित ब्राह्मण है, है। कहीं अपनी बहन के साथ वो बल बलात्कार कर दें अपनी माँ के साथ बलात्कार करें तब न उनका संस्कार समझ में आएगा हैवान है राक्षस है ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है मानवता के लिए एकदम नासूर है एड्स की बीमारी है ऐसे तो बिल्कुल नहीं है कोई बलात्कारी चोर हैवान उस संस्कारी, नेता तो कह है।, संस्कारी है तो भैया बीजेपी में बलात्कारी को सम्मान दिया जाता है गद्दारी करने वाले को सम्मान दिया जाता है अभी मध्य प्रदेश में सात आठ लोग गिरफ्तार हुए हैं आई एस आई के एजेंट के रूप में सब बीजेपी और संघ के हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ ये वहाँ की जांच एजेंसी बता रही है पाखंडवाद हावी हो रहा है देश में पाखंडवाद खूब हावी है अस्सी के दशक में इस देश में न राम मंदिर पे बवाल था और न किसी पे बवाल था सत्तर के दशक में बहुत कम घर गाँव में होते थे जिनके वहाँ दोनों टाइम भोजन मिलता था आप लोग तो सत्तर के बाद वाले हैं हम लोगों ने सत्तर का दशक देखा है जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारी हम लोग बड़े गरीब थे हमारी माँ जो है दूसरे घर में बर्तन माजा करती थी ये चार पांच भाई हैं इनके पिताजी थे जिनकी राशन की दुकान थी कांग्रेस के रिजन में मिली हुई थी तो ये समझा जा कि ये पांचों भाई नकारा अरे भाई दलितों के साथ हो रहा है मैं ब्राह्मण हूँ मेरे साथ भी कल ये घटना हो सकती है मैं मंदिर मंदिर नहीं जाता हूँ इसीलिए मैं इस ढोंगो में नहीं पड़ता ना मैं जैबा नहीं करूँगा जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद पुजारी को राष्ट्रपति थे कम से कम खिंचवा करके बीस जूता मारे होते बुखार उतर गया होता पुजारी के हाँ पुजारी को बीस जूते मारना चाहिए वो धर्म का ठेकेदार बना है उसका काम है उसकी तनख्वाह उसको मिलती है उससे उसकी रोजी रोटी चलती है कि वो मंदिर की सार सफाई देखभाल करे मंदिरों में ये बीबीआईपी कल्चर चलने लगा उनकी अलग लाइन उनका अलग मैं, ये तो सही है। मैं एक कहानी आपको बताता हूँ बड़ी हकीकत की। काशी विश्वनाथ मंदिर देख रहे हैं पहले पंडे पुजारियों के अधीन हुआ करता था ठीक है बनारस वाला बनारस वाला राजीव जी गए मंदिर में घुसने नहीं दिए कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने दूसरे दिन अध्यादेश ला के मंदिर को सरकार अपने अधीनस्थ कर ली और तब से आज तक उत्तर प्रदेश प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर काशी विश्वनाथ मंदिर है इसी तरीके से हर स्टेट की सरकार को चाहिए कि उस मंदिर को जहाँ पे इस तरह की कुरीतियाँ हैं तत्काल प्रभाव से मंदिर का अधिग्रहण कर लें अब पंडे पुजारियों की औकात समझ में आ जाएगी पंडे पुजारियों को पहले से मंदिरों के ये ठेकेदार नहीं है धर्म के ठेकेदार तो, तो है ये धर्म के ठेकेदार नहीं है कभी नहीं रहे हैं। आपको मैं एक चीज बता दूं। तो हमारे तो तुम्हारे दर्शन ही नहीं हो सकते उनकी के तो कैसे भैया कौन सा जो जरूरत है कि गर्भ दर्शन भगवान तो इस पेड़ में भी हैं इस कुर्सी में भी है हम में है तुम में है सब में है क्या दिक्कत है कहीं भू मिलेंगे कोई जरूरी है मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा चर्च में मिले पूजा स्थल होता कि वहां आप पूजा कर सकते हैं ये समाज ने ऐसी मान्यता प्रदान की है पहले लेकिन आप तो बिना चंदे के बिना टिकट के बिना पैसे चढ़ाए के पूजा भी नहीं कर सकते भैया हम तो नहीं जाते हैं इसलिए सबको बहिष्कार कर देना चाहिए इस देश का चाहे वो दलित हो सनातनी ब्राह्मण हो ऐसे पाखंडियों के रहते उसका बहिष्कार कर दीजिए औका भूखे मर जाए चाहे आत्महत्या कर रहे सरकार व्यवस्था आर एस एस व्यवस्था करे बीजेपी व्यवस्था करे लोगों की दुराचारियों तो के लिए पुजारी सब RSS बीजेपी के है? और क्या पहले तो ऐसा नहीं होता था ना अस्सी के दशक में आप चले जाइए कुंभ मेले में इस तरह का कुछ कोई नहीं था प्रोपेगंडा अस्सी के दशक में आप चले जाइए किसी मंदिर में जाइए आपको स्थान मिल जाता था जब से 89 में आडवाणी जी का रथ निकला तब से खुरापात इस देश में चालू हुआ बहिष्कार सभी सभी लोगों को मंदिर का बहिष्कार करना अति आवश्यक हो गया है बड़ा ढोंग हो हो लिया इस देश में अगर बहिष्कार नहीं होगा तो ये औकात में नहीं आएंगे हाँ